हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ट्राउज़र का मोहरी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम कटवर्क और पिनटेक्स के साथ जो डिज़ाइन है उसको बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, कटवर्क मैंने एक मोहरी के लिए यहाँ पर कटिंग किया हुआ है और दूसरी पर हम बनाएंगे, तो उसके लिए कटिंग मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हमने कटवर्क की कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और देखिए, कटवर्क के लिए हमने ये यहाँ पर बुकरम ली हुई है और इसको जो हम स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमें दो पट्टी चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कट कर ली है और ये बुकरम भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो इस पर हम जो इसकी कटिंग होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। और एक ये पिनटेक्स के लिए भी यहाँ पर मैंने ये पट्टी कट कर ली है। ठीक है, इस तरह से तो हमें ये पट्टी चाहिए होंगी। दो पट्टी हमें कटवर्क के लिए चाहिए और सिंगल एक पिनटेक्स के लिए चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कटवर्क के लिए, देखिए जो बुकरम मैंने ली थी उसका मैंने यहाँ पर हाफ करके और स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक लाइन कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये लाइन हमने इस तरीके से लगा लेनी है। और उसके बाद ये देखिए, डेमो पीस ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कट करके रखा हुआ है राउंड में इस तरीके से कटवर्क के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कट करके रख लीजिए, या फिर आपके पास कोई बोतल वगैरह है उसका ढक्कन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये देखिए, जो लाइन हमने यहाँ पर लगाई थी उसके साथ में यहाँ पर रख के इसको, और इसको यहाँ से सेफ दे देंगे राउंड में। देखिए इस तरह से, ये देखिए, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस पर मार्किंग कर लेनी है। और फ्रेंड्स, जो ये कटवर्क होते हैं बाज़ार में भी आराम से आसानी से मिल जाते हैं, तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। अब इसकी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, जो कटिंग हमने करनी है, जो हमने मार्क लगाए हैं बिल्कुल मार्क के ऊपर ही हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। ठीक है, अगर जो हमारी कटिंग है इधर उधर हो गई तो इसमें फिनिशिंग नहीं अच्छी आएगी। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमने कटवर्क को कटिंग करके कंप्लीट कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर साथ में प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, कटवर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको स्टिच करना है। तो उसके लिए जो दो पट्टियां हमने कट की हुई थी वो पट्टियां लेनी है, ये देखिए। और पट्टियों को हमने देखिए एक साथ में दोनों को रख लिया है और उसके ऊपर ये इस तरीके से कटवर्क हमने रखना है। ठीक है, और अब देखिए, जो हमने कटवर्क यहाँ पर लगाया है तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे फिनिशिंग से इस तरीके से सिलाई नहीं लगती है तो आप इसमें कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा पहले और फिर बाद में उसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप जो बुकरम है उसको पेस्ट कर लीजिएगा ताकि अच्छे से जो कपड़े पर हमारी बुकरम है वो चिपक जाएगी। ठीक है, और आसानी से हम यहाँ पर सिलाई लगा सकेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसी तरीके से सिलाई इस पर लगा कर कंप्लीट कर लूँगी। जो हमारा कटवर्क है बिल्कुल जो बुकरम है उसके ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, बिल्कुल किनारी पर। ठीक है, ये देखिए, ताकि जो बुकरम है हमारी सिलाई के नीचे दब जाए, बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमने इस सिलाई को भी कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, सिलाई को हमने लगाकर कंप्लीट कर लिया है ये इस तरह से। अब हमने देखिए, जो मार्जिन है उसको कट करना है ये इस तरह से, ध्यान से हमने कट करना है। यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो ये देखिए, मार्जिन कट कर लिया है हमने। अब देखिए, जो यहाँ पर ये कॉर्नर से बने हैं वहाँ पर हम कट लगाएंगे इस तरह से, सिलाई ना कटे हमारी, ध्यान रहे। ये देखिए, कट हमने लगा लिए हैं। अब हम इसको सीधा कर देते हैं। कट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम इसको पलटेंगे तो वो अच्छे से फिनिशिंग से हमारी जो कटवर्क है वो निकल जाएगी। अब देखिए, इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे हम, जो भी हमारे सारे कटवर्क हैं उनको। तो
ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसको पलट लिया है, ये इस तरह से। अब हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे, जो बिल्कुल किनारी पर हमने इस पर सिलाई लगानी है इसको पलटने के बाद, ताकि जो हमारा कटवर्क है वो अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर। ये इस तरह से बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर सुई को हम नीचे रखेंगे और फिर यहाँ से घुमा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगानी है इस पर, तो सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, और फ्रेंड्स पैंट प्लाजो पर आजकल जो डिज़ाइन बनाते हैं बहुत ही ट्रेंड में हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। तो ये देखिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पर। अब इस पर हमने प्रेस कर लेनी है, ताकि जो हमारा कपड़ा है उसमें झोल वगैरह ना हो, तो प्रेस करके इसको रेडी कर लेते हैं। और अब देखिए हम जो पट्टी हमने पिनटेक्स के लिए यहाँ पर कट की हुई थी उसको लेना है, और ये इस तरीके से इसको तिरछा फोल्ड कर देना है इस तरह से, और नाखून की हेल्प से यहाँ पर कपड़े को हम प्रेस कर लेंगे। अब देखिए क्रीज बनी है हमारे कपड़े पर, उस पर हम लाइन लगा लेंगे और स्केल लेंगे, और बराबर बराबर इसी तरीके से हमने यहाँ पर लाइन लगा लेनी है। तो जो हमने लाइन लगाई है उसी के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जो पिनटेक्स है वो डालेंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखिए लाइन लगा ली है पूरे कपड़े पर। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को और बिल्कुल एक पॉइंट के आसपास जो सिलाई हमारी है वो लगेगी। अब देखिए इसी तरीके से ये हमने पकड़ते हुए जाना है, और पिनटेक्स को हम लगा लेते हैं इसी तरीके से पूरे कपड़े पर। और फ्रेंड्स जो इनका जो गैप रहेगा बीच का वो हमारा बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे कपड़े पर पिनटेक्स बना के रेडी कर लिए हैं, और ये जो पट्टी थी हमारी कटवर्क वाली इस पर भी मैंने प्रेस कर ली है, और पिनटेक्स वाली जो पट्टी थी उस पर भी प्रेस कर ली है, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने इनको ज्वाइंट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है हमारा पिनटेक्स वाली जो पट्टी है वो उसको कट कर लेते हैं, और यहाँ पर ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब देखिए इस तरीके से हमने इसको खोलना है, ठीक है। और जो मार्जिन का कपड़ा है उसको हमने दबा देना है एक साइड वाले को, ठीक है, इस तरह से, और ये इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब देखिए हमने जो पट्टी है पिनटेक्स वाली उसको नीचे रखा है, और जो कटवर्क है उसको यहाँ पर रख लिया है, जो एक साइड का मार्जिन हमारा बचा हुआ था उस पर हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको ज्वाइंट करना है। अब देखिए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल जो हमारा दूसरी साइड वाला जो हमारी सिलाई लगी है जहाँ तक हमारा कटवर्क है उसी के साथ साथ में हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से। तो ये सिलाई हमारी लग के रेडी हो गई है। अब देखिए इस तरीके से रखना है, और जो मार्जिन है उसको हमने ये देखिए जो कटवर्क है उसके नीचे दबा देना है इस तरीके से, ये यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई हमारी लग जाती है। पट्टी को हमने यहाँ पर सीधा किया है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ताकि जो हमारा अंदर की साइड कटवर्क है वो अच्छे से सिलाई के नीचे दब जाए। देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है दोनों साइड से उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर प्लाजो पर इसको ज्वाइंट करेंगे, तो ये पट्टी हमारी रेडी है यहाँ पर 5 इंच हाफ इंच मार्जिन का छोड़ के। तो हमने क्या करना है, जो हमारा प्लाजो है उसमें हमने 5 इंच उसमें कम रखना है, ठीक है, जो लेंथ रहेगी हमारे प्लाजो की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको
मार्क करके और यहाँ पर इसको कटिंग कर लिया है, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ जो थी वो पूरी रखी थी। और अब इसको पट्टी को हम इस पर ज्वाइंट कर देंगे, ये इस तरह से देखिए पट्टी का और जो प्लाजो है उसका जो सीधा साइड है वो अंदर की साइड है दोनों का, और ये इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो मार्जिन है हमारा ये अंदर की साइड, इस पर हम इंटरलॉक कर लेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब देखिए सीधा किया है हमने प्लाजो को, अब देखिए इस पर एक टॉप स्टिच और लगाएंगे ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन है अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर। ये देखिए तो ये टॉप स्टिच लगाकर हमने रेडी कर लिया है प्लाजो को, और ये देखिए कितना सुंदर हमारा डिज़ाइन बना है। और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकल गया है तो उसको हम निकाल देते हैं। और ये मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।